हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुरुकुल की ऑनलाइन क्लास में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। छात्रगण, बातें होंगी, चर्चाएं करेंगे और आज आपको रीजनिंग के अगले पड़ाव पर लेकर के चलेंगे। छात्रगण, प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि ब्लड रिलेशन के कुल चार टाइप, टाइप नंबर एक, टाइप नंबर दो, टाइप नंबर तीन और टाइप नंबर चार को बहुत ही बखूबी से आपको डील किया गया। उम्मीद करते हैं कि इन चारों टाइपों को आपने फैमिली ट्री के रिस्पेक्ट में समझने का प्रयास किया होगा। आज की पूरी क्लासेस हम सब पूरे ब्लड रिलेशन के अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस करेंगे छात्रगण क्लास के अंदर में, और कई दिलचस्प क्वेश्चन के पड़ाव पर आपको ले चलेंगे। आज ब्लड रिलेशन की हमारी अंतिम क्लास होगी जहां पर आपको केवल क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि बच्चा मुझे ये ना कहे कि सर क्वेश्चन आंसर बहुत ही कम प्रैक्टिस हो रहा है। और इसके बाद आपको PDF भी अटैच कर दे रहे हैं। आप जानते हैं कि सर लगातार हम सबों को PDF अटैच कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी पहलू आप सबों के लिए हो जाएगी छात्रगण। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बिना गपशप किए हुए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आइए आगे की ओर लेके चलते हैं। छात्रगण बहुत स्वागत करते हैं, और बोर्ड पे दो क्वेश्चंस लिख पाए हैं छात्रगण। इस प्रकार जितना क्वेश्चन लिख पाएंगे उतना प्रैक्टिस करवाएंगे क्लास में, ठीक है ना। स्मार्ट बोर्ड का अभाव है, आप भी ये चीज़ को अच्छी तरह से समझते होंगे। तो बहरहाल, तो ये आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लड़की की फोटो को दिखाते हुए राजन ने कहा, राजन क्या कह रहा है कि इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, पर इसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। मैं पहले ही कहा कि क्वेश्चन पर आपको एकदम जाना ही नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है, बस एकदम एक ही ब्रह्मास्त्र हम बच्चा को बता चुके हैं कि अपना फैमिली ट्री वो पकड़ेगा, और फैमिली ट्री को पकड़ करके वो सीधे सीधे अपना काम करेगा। आपको प्रीवियस काम बता दिए। देखिए सीधे सीधे, एक लड़की की फोटो को दिखाते हुए राजन ने कहा, राजन कह रहा है, राजन एक लड़की की फोटो की ओर दिखाते हुए, ये लड़की हो गई, जैसे ही माइनस देते हैं यानी ये लड़की हो गई। तो राजन एक लड़की की फोटो की ओर दिखाते हुए राजन ने कहा, इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है। हम लोग ये बात ख्याल रखेंगे कि इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। पर इसकी माँ, इसकी माँ बना लीजिए एकदम फटाक से, पर इसकी माँ, माँ बन गई, पर इसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। इसकी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो इसकी माँ बना लीजिए फटाक से, माँ बना लीजिए, इसकी एकमात्र पुत्री है, इसकी माँ की एकमात्र पुत्री है ये। यानी आपस में ये दोनों कौन हुआ, भाई बहन हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। एकदम हुआ। अब कम से कम प्रैक्टिस सेशन में फैमिली ट्री तो हम नहीं पढ़ाएंगे। ये दोनों आपस में भाई बहन हो गया, राजन भाई हो गया, और ये क्या हो गई, बहन हो गई, दोनों भाई बहन हो गया। इसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। फोटो वाली लड़की राजन की माँ की क्या लगती है, तो फोटो वाली ये जो लड़की है वो राजन की माँ की क्या लगती है, तो राजन के माँ की बेटी की बेटी।
छतकिन अगले पड़ाव पर हैं और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन एक लेकर के आए हैं। आपको सलाह दी जाती है कि जब तक हम इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से बनाइए, उसके बाद मेरा हाल देखिएगा। वीडियो पाउच कर दीजिए, जो वीडियो मेरी चल रही है, जितने नंबर की लेक्चर की वीडियो चल रही है ब्लड रिलेशन का, उसको पाउच करके खुद से बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, एक फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए कौन कह रही है? मीरा कह रही है। अब वो सब नहीं लिखेंगे महिला, फिर अपना सिंपल से एक गोल बना करके माइनस प्लस कर दीजिएगा, पुरुष महिला इंडिकेट हो जाएगा। मीरा ने कहा, मीरा क्या कहती है? उसके पिता, चलो इसके पिता बना लेते हैं फटाक से, इसके पिता के एकमात्र पुत्र, इसका पहले पुत्र बना लीजिए, के एकमात्र पुत्र की पत्नी, इसकी शादी करा दीजिए, शादी पत्नी मेरी सास है। किसकी सास है? मीरा की सास है। यानी कि इसके पिता के एकमात्र पुत्र का भी एक पुत्र रहा होगा, उसकी शादी हुई होगी किससे? मीरा से, यही ना है भाई, इसकी शादी हुई होगी मीरा से, मेरी सास है। अब बताइए ये मीरा की सास हुई कि नहीं है? ये मीरा का हस्बैंड, हस्बैंड का ये पापा, पापा की पत्नी को मीरा क्या कहेगी? सास कहेगी। क्लियर हो गया? अब क्या बोल रहा है? मीरा के पति का, मीरा के पति का फोटो वाली महिला से, ये दोनों आपस में कौन है? भाई बहन हो गया, चूंकि ये इसके पापा है, ये इसके ही पापा, दोनों भाई बहन हो गया। मीरा के पति का फोटो वाली महिला, देखो इसको मीरा क्या, मीरा का पति इसको क्या कहेगा? यही नहीं, फोटो वाली महिला इसको क्या कहेगी? फोटो वाली महिला, ये फोटो वाली महिला है, इसको क्या कहेगी? ये इसका भाई हुआ तो भाई के बेटा को क्या कहेगी? भाई के बेटा को भतीजा, और ये इसको क्या कहेगा? बुआ। तो आंसर भतीजा होना चाहिए, तो आंसर भतीजा हो गया आपका, कोई दिक्कत? तो ये तमाम कहानियाँ थी छापघन, केवल सिंपल सा हल है, केवल फैमिली ट्री का निर्माण कर रहे हैं और फैमिली ट्री के निर्माण में सारे प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं। पीछे का चारों वीडियो मेरा देख लीजिएगा, तीन वीडियो मेरा, पहला वीडियो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड रिलेशन का, उसमें मैंने पूरा स्केचिंग सिखाया है कि कैसे ये लाइन कब खींचे जाते हैं, ये कब खींचे जाते हैं, डॉटेड कब खींचा जाता है, ये कैसे खींचा जाता है। वो बच्चा जो कर लिया वो ब्लड रिलेशन पे मास्टर होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर लेकर के चलते हैं। कहता है कि तस्वीर में महिला की ओर संकेत करते हुए राजीव ने कहा, एक महिला है, इसकी ओर संकेत करते हुए राजीव कहता है, ये सब अपना अपना काम करेंगे हम सब अपना फटाफट, राजीव कहकर कहा, उसकी माँ का, किसकी माँ का? इसकी माँ का तो चलिए बना लेते हैं, इसकी मम्मी बना लेते हैं। जैसे प्रश्न में कई बार कहा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता वैसे वैसे काम कीजिए। उसकी माँ का केवल एक ग्रैंड चाइल्ड है। अब देखिए एक ग्रैंड चाइल्ड है, अब ग्रैंड चाइल्ड क्या है भाई? तो ये इसकी बेटी है, इसकी बेटी का एक बेटी होगा। अब बेटी है, ग्रैंड चाइल्ड का मतलब बच्चा बेटी दोनों हो सकता है, ये बना लिए। उसकी माँ का केवल एक ग्रैंड चाइल्ड है, यही ना स्थिति क्लियर होगा है। जिसकी माँ, यानी कि ग्रैंड चाइल्ड की माँ मेरी पत्नी है, अच्छा, यानी राजीव और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया, यही ना प्रश्न हो गया, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया। तस्वीर में जो महिला है उसका राजीव से क्या संबंध है? तस्वीर में जो महिला उसका राजीव से क्या संबंध है? तो राजीव की क्या लगेगी? पत्नी ना लगेगी जी, राजीव से क्या संबंध? राजीव क्या कहेगा? तो राजीव क्या कहेगा? पत्नी कहेगा। सिर्फ सर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन छात्रगण, इन वन वे टू वे, और आरआरबी के लिए, एसएससी के लिए सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड रिलेशन आता ही आता है। सिंपल सा बस, केवल मैं कई बार करोड़ बार बोल चुका हूँ जब से मैं क्लास शुरू किया हूँ ब्लड रिलेशन का, कि बच्चा फैमिली ट्री पे कमांड करे और इसमें मास्टर बने। चलिए आज चूंकि प्रैक्टिस का दिन है, मेरा मूड भी अच्छा है, आज बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आपको। पजल बेस पे एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं छात्रगण, क्वेश्चन नंबर 5 के दौर पे हम सब हैं और एक पजल स्टोरी आपके पास लेकर के आए हैं। कहता है कि ए बी सी डी ई तथा एफ 6 व्यक्ति हैं, ओके। सी एफ की बहन है, चलिए काम करना शुरू कर देते हैं। सी एफ की बहन है, देखिए 5-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है छात्रगण, 2 लाइन का क्वेश्चन है और 5-5 क्वेश्चन है। सी एफ की बहन है, सी को बहन बना देते हैं, किसकी? एफ की। सी एफ की बहन है, क्लियर हो गया। बी ई के पति का भाई है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग लेंगे। बी ई के पति का भाई है, बी जो है वो ई के पति, बी जो है ई के पति, तो ई के पति ले लेते हैं पहले, कोई पति ले लेते हैं और इसकी ई से शादी करवाते हैं और इसका भाई बना देते हैं, ठीक है। बी जो है ई के पति का भाई है, यानी ये भी प्लस हो गया, क्लियर हो गया अभी तक एकदम, कहीं कोई दिक्कत? बी ई के पति का भाई है, देखिए इन दोनों से सी और एफ से कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए अलग अलग तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं। डी ए का पिता है तथा एफ का दादा है, कहीं किसी से कोई रिलेशन नहीं है। डी ए का पिता है, डी ए का पिता है,
तथा एफ का दादा है। डी जो हो गया वो ए का पिता तथा एफ का दादा। अब देखिए यहाँ पे मिला है हमको एक एफ के साथ रिलेशन है, यानी ये वाला डी टू उतार देंगे, अब क्या हो जाएगा मेरा, देखिए डी जो है वो एफ का दादा है, तो यहाँ एफ है तो इसको ये वाला को हटा देंगे, इधर साइड में कर देंगे, इसको इधर लिख लीजिए, ई जो इक्वेशन आप यहाँ बनाए थे इसको इधर साइड में कर लीजिए बस। अब इसको मिटा दीजिए पूरी तरह से, ये भी मिटा दीजिए, डी ए का पिता तथा एफ का दादा, देखिए बन गया, डी जो है ए का पिता है, यहाँ पे प्लस हो गया, तथा एफ का दादा हो गया दादा एकदम आराम से। और ये दोनों आपस में, ये इसके मम्मी या पापा है मालूम नहीं, दोनों चूँकि आपस में भाई बहन है इसलिए यहाँ पे ये इसके भी पापा हो जाएंगे या माँ हो जाएगी, ए का सेक्स नहीं पता चल रहा है। डी ए के पिता हैं तथा एफ के दादा हैं, क्लियर हो गया। अब केवल हमको इसको अरेंज करना है, एक दो तीन चार को अरेंज हो चुका है मेरा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी डी ई तथा एफ छह व्यक्ति हैं, इस परिवार में छह ही व्यक्ति है, समूह में दो पिता हैं, देखिए पिता अभी दो पिता हैं, तो एक पिता ये हो गया 100% ये पिता होगा, दूसरा तो कोई पिता बन नहीं सकता, तो ये प्लस हो गया। देखिए कहाँ से निकाल रहे हैं, समूह में दो पिता, तो दोनों को प्लस कर दिया, अपने मन से कीजिए, दो पिता हो गया, इन दोनों का पिता ये हो गया और इसके पिता ये हो गया, तो समूह में दो पिता, तीन ठो भाई बता रहा है, तो तीन भाई अब कौन कौन बचेगा मेरा, अभी तक मेरा तो यहाँ पे देख रहे हैं इसकी शादी ई की शादी ओ से हुई है, हमारे पास हुई है ना जी, ई की शादी ओ से हुई है, यानी कि दाही बात है ई माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास एक दो तीन चार पाँच और एक छः हो गया है, यानी 100% तीन भाई हो रहा है, तो तीन भाई में कौन कौन बच रहा है, आप देख रहे हैं कि अभी मेरे पास बी भी बचा हुआ है ना, अच्छा ठीक अभी आगे लेकर के चलते हैं इसको, तब पता चलेगा ठीक है। तो तीन भाई और एक माँ है, माँ होने की संभावना अब क्या होगी, अब वही आपको समझना है। यहाँ पर इसकी शादी करवा देते हैं, ये जो यहाँ पर प्लस लिए थे इसकी शादी करवा देते हैं किससे, ई से, चूंकि ये माइनस है इसलिए शादी हो रहा है, तो बी से शादी करवाते, हो गया शादी हो गई इसकी। अब देखो सी और एफ, इसका बच्चा है तो इसका भी बच्चा होगा, ये सब अपने दिमाग में नोट करते हुए चलिएगा, पूरा अपना स्केच बना लीजिएगा, हो गया। आगे अब मेरे पास क्या बच रहा है, सिर्फ बी ए बच रहा है, बी अब क्या बोल रहा है, ये जो ई का जो पति है वो बी का भाई है, तो ए पति बन गया तो इसका भाई कौन हो गया, भाई है, यानी कि डी बी का पिता भी हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए समूह में दो पिता, पिता नंबर एक पिता नंबर दो, दो पिता तीन भाई, तो भाई तो एक दो और एक ये तीसरा भाई, ये भी यानी ये भी प्लस होने का चांसेस बन गया, तीन भाई है ये भी तो सी का भाई है, तो तीन भाई और एक माँ है, और देखिए माँ बन गई ये, क्लियर हो गया। तो देखिए थोड़ा सा आपको खाली काम करना पड़ता है, हल्का सा काम करके आप बहुत अच्छा से प्रश्नों को हल कर सकते हैं, अब ये सब का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, छः, एक दो तीन चार पाँच छः, ये आपको चल के लेकर के चलना पड़ेगा, प्रश्न तो आपको कई वे पे फंसाने का प्रयास करता है, उसी आधार पर आपको चलने का प्रयास करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि पूरे फैमिली ट्री पर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई बॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं कि ये इसको ये कहेगा ये इसको ये कहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फैमिली ट्री का एक अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए, फैमिली ट्री का एक नॉलेज होना चाहिए, और उसी फैमिली ट्री के रिस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन का हल करना चाहिए। क्लियर हो गया ना, एक बार और इसको समझा दे कि एकदम क्लियर है, क्लियर है ना, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा समझाने की आवश्यकता है। कहता है कि मां कौन है, बताइए मां कौन है, मां यहां पर ई है तो ये ऑप्शन में है, मां ई निकल गई। ई का पति कौन है, देख लीजिए ई का पति कौन है, ए है। समूह में पुरुष सदस्य कितने हैं, पुरुष सदस्य कितना हो गया, एक पुरुष दो पुरुष तीन पुरुष चार पुरुष, पुरुष का सदस्य कितना हो गया चार। एफ का ई से क्या संबंध है, देखिए एफ का ई से क्या संबंध है, मतलब ई क्या कहेगा, तो ई एफ को क्या कहेगा, पुत्र कहेगा, देखिए पुत्र ऑप्शन में है। तो ये फैमिली ट्री कितना इंपॉर्टेंट है, भाइयों का समूह निम्नलिखित में से कौन सा, कौन कौन भाई हो जाएगा, देख लीजिए तो ए और बी दोनों भाई हो गया, एफ इसका भाई हो गया, तीन को भाई हो जाएगा, यानी कि ए बी एफ, तो आंसर कौन हो गया, ए बी एफ। तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मजे तरीके से छात्रगण ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि पजल के इस राउंड पर भी आप अपना बहुत अच्छा सा काम कर लेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले स्केच कर लीजिए, और स्केच करने के बाद मैं आपको कई बार कह रहा हूँ कि सबसे पहले प्रश्न को अपने मन से स्केच कीजिए, और स्केच करने के बाद जो है आप इसका हल निकालने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अपने से खुद से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सर का फैमिली ट्री का स्केच देखेंगे, बार बार इसको प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करेंगे अपने मन से, नहीं समझ में आएगा तो पहला वीडियो फिर हमारा देखिए निकाल करके कि उस वीडियो में सर इसको कैसे बता रहे हैं, और उसके बाद इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं छतगन कि आप सब बहुत अच्छे से, बहुत ही एबिलिटी से ऐसे प्रश्नों को हल कर पाने में कामयाब होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अगले प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। छतगन अगले पड़ाव पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आप सबों के लिए, स्टेटमेंट बेस्ड होगा। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई तथा एफ के परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई तथा एफ के परिवार में 2 विवाहित जोड़ा है, ओके। डी ए की दादी, चलिए इससे तुमको कुछ नहीं मिल पा रहा था पहला से, दूसरा से हमको मिल रहा है। डी ए की दादी और बी की माँ है। डी जो है वो ए की दादी है और बी की माँ है, तो यहाँ कुछ भी ले लेते हैं। डी ए की दादी, डी जो है ए की दादी हो गई, ए की दादी हो गई, और इसको बी का यहाँ जो रखे हैं उसको बी बना देते हैं, ये बी की माँ हो गई। तो अभी तक के स्केच में डी जो है ए की दादी है और बी की माँ है। बी क्या है, ए क्या है, अभी तक सेक्स पता नहीं है हम सब को। डी ए की दादी और बी की माँ, पहला खत्म हो गया, इससे अब कुछ भी नहीं मिलेगा। सी बी की पत्नी, सी को बी का पत्नी बनाइए, सी बी की पत्नी, यानी ये पत्नी हो गई तो ये प्लस हो गया। सी बी की पत्नी, अब देख लीजिए ये इसके पापा थे तो ये इसकी माँ हो गई। ये सब अपना करते चलना, अपना हाथ में खुजली होना चाहिए आपको, ये सब करते चलना है। सी बी की पत्नी, सी जो है वो बी की पत्नी और ए की और सॉरी हाँ सी बी की पत्नी और एफ की माँ है। अच्छा, ये एफ की माँ भी है, तो ये एफ की माँ हो गई, यानी कि ये इसके भी पापा हो गए, यानी आपस में ये दोनों भाई बहन हो गया। क्लियर है। एफ ई की पोती है, एफ जो है वो ई की पोती है, तो ई की पोती के लिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर ई कर देंगे तो ई की पोती हो जाएगा, ये माइनस यानी इन दोनों का शादी हुआ होगा, प्लस। अब सी जो हो गया ये इसका बेटी है, तो ये इसका भी बेटी हुआ होगा, कहीं कोई दिक्कत है। अब देखिए ये बी की माँ है तो ये बी के पापा हो गए। कितना रिलेशन अपने आप हम लोग निकाल पाने में कामयाब हो जाते हैं। स्केच बन गया, स्केचिंग होने के साथ चलिए क्वेश्चन का जवाब देंगे। सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, मीन्स हम पहले बताएं, सबसे लास्ट वाला में जोड़ लीजिए, क्या कहेगा ए, क्या कहेगा सी को, ए क्या कहेगा सी को, माँ कहेगा, तो यहाँ पे माँ आंसर है। क्लियर। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, भाई ये पुरुष सदस्य काउंट करते हैं, तो एक पुरुष सदस्य हो गया, दो पुरुष सदस्य हो गया, एक क्या है ये कंफर्म किया जा सकता है कि एक का रिलेशन नहीं है, तो सीधे तय नहीं कर सकते, कोई दिक्कत। निम्नलिखित में से कौन सत्य है, ए एफ का भाई है, ए जो है एफ का भाई कंफर्म तो नहीं कर सकते क्योंकि ए का जेंडर पता नहीं चला है, ए एफ की बहन है, ए एफ की बहन ये भी नहीं कर सकते हैं। डी के दो पौत्र हैं, डी का दो पौत्र है, पौत्र मतलब दोनों पोता, तो डी का यह बेटा का है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं हो रहा है क्योंकि एक लड़की है और एक, ये भी नहीं हो रहा है कंफर्म। बी की दो पुत्रियां हैं, बी की दो पुत्रियां हैं, ये भी नहीं कंफर्म हो रहा है क्योंकि ए का रिलेशन पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें नन। निम्नलिखित में से कौन विवाहित जोड़ों में से एक है, कौन कौन विवाहित जोड़ा हो गया, बी सी और डी, तो डी यहाँ पे मिल रहा है, बी सी नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर दो हो गया। कितने आसान तरीके से छतगन ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है, एक ही इसके मूल में, इसके जड़ में एक ही चीज़ है, 2 मिनट का वक्त लगता है। फैमिली ट्री खींचेगा, इतना लंबा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको 2 मिनट में हल हो जाएगा। बस मेन कहानी जो कहना है, इसमें कहानी कहना है, अगर ये कहानी का पाने में आप सक्षम हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ब्लड रिलेशन पर आपकी कमांड होने में आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता है। उम्मीद करते हैं कि पूरे ब्लड रिलेशन पर मैंने कुल 5 क्लासेस आपको डाले हैं, 5 क्लास हो गया ना ये, तो ये इन 5 क्लासेस पर आप सबों को पूरे ब्लड रिलेशन को प्रैक्टिस कराने का प्रयास किया था छात्रगण। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन पूरे चैप्टरों को बहुत ही मनोयोग और बहुत ही तरीके से पढ़ करके कंप्लीट करेंगे और फैमिली ट्री पे अपनी कमांड करेंगे। बावजूद इसके इतने प्रैक्टिस सेशन के बाद भी आपको PDF के रूप में कुछ क्वेश्चन और अटैचमेंट कर दे रहे हैं, जिससे आपका लगाव इस चैप्टर से बहुत अच्छा हो जाए और एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन जो है आप इसमें गलती ना करें। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की क्लास हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं, कल नए चैप्टर के साथ आपके पास उपस्थित होंगे छात्रगण। तब तक के लिए खुदा हाफिज, सब्बा खैर, बाय बाय।